हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ अपने घर में, क्योंकि वो जो सारी इराक की वीडियोस थी वो आ रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पर थी। तो आज जैसे आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया है कि मैं ट्राई करने वाली हूँ इराकी स्नैक्स, लेकिन मेरे पास ज़्यादा स्नैक्स तो है नहीं। मतलब उसके अंदर आपको बिस्किट्स भी मिलेंगे, टॉफ़ीज़ हैं और जेली है, लेकिन इसलिए क्योंकि बहुत सारे इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पास ना मतलब एक तो एक ही बैग, मेरा एक बैकपैक था जिसकी वीडियो नेक्स्ट में आएगी, ऐसे पहले आ जाएगी कि व्हाट आई हैव इनसाइड माय बैग, और उसमें मिशी के बैग वाली वीडियो होगी। तो उसमें मैं जितना रख सकती थी सामान मैंने रख दिया। अब वरना ऑफकोर्स आप सबको पता है, जितने लोगों ने ट्रैवल अब तक किया है कि काफ़ी सामान नहीं भी लेकर आने देते, लिक्विड अलाउ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें वो तो है। तो इसलिए जो जो मैं ला सकी, जितना सब कुछ मेरे पास था, वो आज मैं आप लोग के साथ करने वाली हूँ ट्राई, कि कभी आप लोग जाएँ तो आप लोग को ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप लोग खुद देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओके, तो आप लोगों ने वो शॉर्ट्स देखे, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। That was awesome! तो मैं सोच रही हूँ हम स्टार्ट करते हैं इस बड़ी चीज़ के साथ, क्योंकि मुझे जेलीज पसंद है, तो मैं जेली ना लूँ ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे सारे व्यूअर्स जितने मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे जेली कितनी पसंद है। तो ये मैं अब ट्राई करने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा था, मैंने अपना ना माइक लगाया हुआ है, तो यार मग बैंक भी कर सकते हैं, हो सकता है हो जाए, अगर हुआ ना तो अच्छा हो जाएगा बहुत। ओके, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये पर्पल। इसमें हाँ कलर्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये भी पर्पल है, और ये येलो। तो इसमें कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, और मैं सारी तो ट्राई नहीं करूँगी, मैं पहले ये ट्राई करती हूँ। इट्स चुई, मतलब काफ़ी चुई है और मीठी है काफ़ी। जिनको मीठा नहीं पसंद वो उनको शायद ही पसंद ना आए, लेकिन ये बहुत काफ़ी मुझे जो लगी, ये सॉफ्ट है लेकिन काफ़ी चुई है, तो इसको च्यू करने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे बिल्कुल भी टूट रही है। ओके, कोई सीरम वीरम नहीं है, मगर ये थोड़ी सी जेली ही है। ऐसी ऑरेंज, चलो हम ऑरेंज भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे ऑरेंज नहीं पसंद, मगर यू कैन टेस्ट। ऑरेंज है तो फुल ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है, जैसे ऑरेंज होता है, तो ये वही है। मतलब जो आप जिस कलर की उठाएंगे वो आपको टेस्ट आएगा। येलो में लाइम आएगा, ग्रीन में पता नहीं, पिंक भी नहीं पता। ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्नैक की तरफ। ये तो हो गया बंद, सो कर देते हैं बंद। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अल सुल्तान, जो मैं पढ़ पा रही हूँ, पम्पकिन सीड्स। तो अल सुल्तान पम्पकिन सीड्स को ट्राई करते हैं कि ये कैसे। मैं पहले दिखा दूँ कि क्वांटिटी जा रही है। हाँ, तो ये है पम्पकिन सीड्स। नमक कम है शुगर इसमें। longer than a few minutes later. हाँ, तो सॉरी अब यहाँ आ गया था। तो मैं ये बता रही थी कि ये अच्छे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, और लेकिन वैसे कोई टेस्ट अलग नहीं है। ऑफ़ कोर्स पम्पकिन सीड्स हैं, तो ऐसा अच्छा मुझे पता था कोई टेस्ट अलग होगा नहीं, मगर मुझे ये लेने मुझे पसंद है तो मैंने ये लिया। मैं सोचता कि आप लोगों को बताया जाए कि है कैसे। सो इट्स गुड, हो गए पम्पकिन सीड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेरी फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट। दिस इज, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं इसको ईरानी टॉफ़ी बोलती हूँ, और वहाँ पर ये मिलती है इराक में, या पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैं भी इसको खोल के दिखाऊंगी, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता हो इस बारे में, इसके बारे में। मुझे ये बहुत पसंद है, इसका नाम भी मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। ये अलग अलग पैकिंग मिलती है, कभी ट्रांसपेरेंट भी होता है, और ये इसमें भी है, ये वाली बहुत अच्छी है। तो
तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये एक, हाँ ये खुल गई। ओके इसमें ये होती क्या है, वेट, ये भी थोड़ी चुभी होती है, मीठी होती है। या ये है बिल्कुल वाइट, इसमें नट्स लगे हैं यहाँ पर, और ये मैंने खाई थी तो मैं इसको वैसे बता सकती हूँ कि ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसने जिसको नहीं पता उनको बता रही हूँ कि ये टॉफ़ी है, और हाँ मतलब मीठी टॉफ़ी आप कह लें इसको। और ये इसके अच्छा एक और बात, ये नट्स वाली है, बगैर नट्स वाली भी होती है, मतलब सिंपल भी होती है ये, तो आई लाइक दिस, मुझे ये बहुत पसंद है। किसी को कोई कौन कौन जानता है इस टॉफ़ी के बारे में, या किसी को ये पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाद में ख़त्म करेंगे, हमने कि मैं ख़त्म नहीं करूँगी, बाद में ख़त्म करूँगी, मेरी फेवरेट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की जाने, और हमारा नेक्स्ट है बिस्किट। मैं इसको कुछ बोल मतलब मुझे ऑफकोर्स पढ़ना तो नहीं आ रहा, काकोली बिस्को भी लिखा हुआ इस पर। तो ये है, मैं ऑफकोर्स बिस्किट नहीं खाती हूँ, सबको पता है, तो मैं सिर्फ एक टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट है कैसा, कोई अपने पाकिस्तानी बिस्किट जैसा है या नहीं। वन बाइट है, छोटे हैं, मुझे पता है चॉकलेट सैंडविच की तरह लग रहा है, देखें आप लोग है ना। शुगर फ्री वालों के लिए है, इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है यार, ये नहीं है चॉकलेट सैंडविच जैसा लग रहा था, लेकिन है नहीं। इसका मुझे कोई टेस्ट नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि सादे बिस्किट खा रही हूँ मैं, ये चॉकलेट सैंडविच भी नहीं है, इसमें कोई शुगर नहीं है, पता नहीं कैसा है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ट्राई करने वाली हैं हम ये, अगेन इसको नहीं पढ़ सकती, पोफा कुछ करके लिखा हुआ है, लेट्स सी कि ये हैं कैसे। मुझे इसकी शेप बहुत अच्छी लगी थी, और ऐसी शेप वाले मुझे आज तक कराची में तो नहीं दिखे, शायद पाकिस्तान में कहीं हो, तो हाँ बस यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये पढ़ने में आ रहा है, बस इसके अलावा नहीं पढ़ने में आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स ही पढ़ने में आ रहे हैं। तो इट्स वेरी नाइस, आप लोग देख सकते हैं, और इसकी शेप सीटी की तरह है, इट्स लुकिंग गुड। अच्छा अब हम देखते हैं इसका टेस्ट, वैसे वहाँ के ज़्यादातर स्नैक्स जो होते हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें टेस्ट है और ये अच्छे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी से मिल रहे हैं, लेकिन मैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या, अगर मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ लिख दूँगी। ओके अच्छा इट्स गुड, आप तो ये ज़रूर ट्राई करेगा, अगर यहाँ कहीं मिले तब भी, अगर तो वहाँ जाए तब भी पैकिंग से देखें, इसको ज़रूर ट्राई करेगा। ओके हमारा कितने हुए, एक दो तीन चार, चार हो गए हैं। ओके एक दो तीन चार है। ओके नेक्स्ट इज दिस, ओके ये है एग्स, इसको इसका कुछ नाम नहीं है, ये यहाँ पर पहले मिलते थे कराची में, मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर आना बंद हो चुके हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर ये काफ़ी दिखे तो मैंने ये ले लिया अपने लिए, और मैं इसका टेस्ट ये होता है, इसके अंदर से आपको कभी बादाम निकल जाता है, कभी काजू निकल जाता है, एक दो बार मेरे पास काजू भी निकला है, तो ये मीठा होता है, और बस इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें बादाम निकलेगा, एंड इट्स लाइक थोड़ा हार्ड होता है ये, तो इसको चीव कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपने तोड़ना है, इसकी अंदर एक कोटिंग कुछ इस तरह होती है, गिरेगा बस, और ये थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ नहीं मिलता ये, बाहर वहीं मुझे मिलेगा, पहले मिलता था अब नहीं मिलता, शायद किसी ने खाया हुआ हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों की शौकीन हूँ, तो मैंने तो ये खाया हुआ था। आप लोग ट्राई कीजिएगा इफ आप लोग चाहें तो। ओके नेक्स्ट जाते हैं, ओके वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ओके नेक्स्ट मेरे पास सिर्फ दो ये वहाँ की चीज़ें, एक ये है, इसका नाम है कॉफ़ी क्रीम, यस कॉफ़ी एंड क्रीम,
और लेट्स सी, हाँ ये मेल्ट हो चुकी है, ये चॉकलेट है, इन सी ये मेल्ट हुई है, आई से आई कैन ओनली टेस्ट लाइक दिस वे। इसमें कॉफ़ी है, मिंट है और चॉकलेट है एंड क्रीम है, क्रीम बहुत है इसमें और बस, हाँ कॉफ़ी मिंट और चॉकलेट एंड क्रीम। मैं इसको ना फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद खाएंगे, लेकिन ये मैं ये अच्छी है, मैंने आपको टेस्ट करके इसका बता दिया, लेकिन ये मेल्ट हो चुकी है फुल एंड फाइनली, ये मेल्ट हो चुकी है फुली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे चलते हैं, वो है ये एंड दिस इज रोशन जेली। जेली है सो, लेकिन वहाँ की है तो वहाँ की का टेस्ट कैसा होगा, आई वॉन्ट टू नो, आई थिंक यू ऑल वॉन्ट टू नो। इनकी जेलियों में ना जो टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना वो नहीं होता, मतलब मुझे पहला जो टेस्ट आया वो कुछ भी नहीं आया, उसके बाद उसका टेस्ट आया तो ऐसा खट्टा सा इनफ। तो ये कौन दवाई लग रही है, दवाई टाइप जेली लग रही है, सॉरी दवाई टाइप जेली लग रही है, बताती हूँ, ब्रोफिन होती ना वो ही लग रही है ये, लेकिन जेली है। मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई ना उस पर चलते हैं, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो है दिस वन, ये, और सेकंड नंबर पे वो जो मैंने आपको दिखाई थी, एक ये जो मैंने आपको दिखाई थी वो तो मेरी फेवरेट है ही ना, तो इसको तो मैं भी कोई काउंट नहीं करी, जो मैंने नहीं खाई थी और मैंने फर्स्ट टाइम खाई उसके, उसमें पहला वो स्नैक और दूसरा ये, बस थर्ड पे पम्पकिन सीड्स तो सबने खाए हुए इसलिए मैंने उसको भी कंसीडर नहीं किया। बाकी ये चॉकलेट भी सही थी, कॉफ़ी एंड क्रीम, और ये भी मैंने खाए हुए हैं एग्स, तो मुझे इसमें भी कुछ नया नहीं लगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जाएं तो आप लोग ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये ट्राई कर सकते हैं, ये जेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे लेस सॉल्ट एंड विनेगर वाले मिले, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे थे, मैंने कहाँ रख दिया आई डोंट नो, तो इसलिए मैंने वो उसमें इंक्लूड नहीं किए, लेकिन आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर ना मैं इसके प्राइसेस मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर अगर हम एक साथ चीज़ें लेते थे ना तो प्राइसेस वहाँ की बहुत हाई हैं, यहाँ की इसमें यहाँ में अभी भी 100 में बात हो जाती है, वहाँ हज़ारों से कम में बात नहीं होती, हम लोग को 1000 से कम का कोई चीज़ वहाँ मिली नहीं ना, 500 ना 250, हमारे पास हज़ारों में ही पैसे थे, तो इसलिए वहाँ की थोड़ा सा इस करेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए आपको ये चीज़ें वहाँ के हिसाब से महंगी लगेंगी लेकिन यहाँ के हिसाब से आपको सस्ती लगेंगी। तो हम लोग तो ऐसे देते थे कि अच्छा यहाँ की 5000 इसका मतलब पाकिस्तानी 500, ऐसे होता था, तो अगर कोई भी चीज़ हम पूछते थे ये कि यहाँ के 10000 तो मतलब पाकिस्तानी, ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करके देखते थे, फिर हमें तसल्ली होती थी कि अच्छा हज़ारों में नहीं, हम अभी भी 100 में बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, और मुझे ये करना था, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ऐसी वीडियोस पसंद आती है, तो आई विल ट्राई कि मैं और वो स्नैक्स ट्राई करूँ जो पाकिस्तान में है और मैंने ट्राई नहीं किए हुए कराची में जो है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो, एंड आई होप कि इसके अलावा भी आगे वीडियोस आती रहेंगी अच्छी आपको पसंद, और मेरी एक वीडियो है जो मुझे करनी है, पेंडिंग है शूट करके, मैं शायद इससे पहले डाल दूँ या फिर इसके बाद आएगी अगर मैंने जल्दी शूट कर ली तो। टिल देन मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आइंदा आगे वीडियोस में अच्छा कर सकूँ। एंड टिल देन मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड हियर, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, फिर उठ के जाना।